अस्सलाम वालेकुम। अरेंज मैरिज और लव मैरिज, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी डिबेट है जो हर प्रोग्राम में और हर वक्त ये इसके ऊपर डिबेट होती है। मेरा ख्याल है कि हर लड़का हर लड़की जब बड़ा होता है तो वो ये समझते हैं कि उनके सपनों के ख्वाबों का जो राजा है रानी है वो आएगी और लव मैरिज होगी और वो ज़िंदगी भर हैप्पीली एवर आफ्टर होगा। हालांकि जो पेरेंट्स हैं उनका ये ख्याल है कि उन्होंने अपने बेटे या बेटी को बड़ा किया, निगहदाश्त की, और उनका हक बनता है कि वो उनके लिए डिसाइड करें कि वो किससे शादी करें, चाहे वो लड़की हो या लड़का। हमारे साथ चार बिल्कुल डिफरेंट नॉन रिलेटेड केसेस हैं जिनमें किसी ने लव मैरिज नहीं की बल्कि अपने अम्मी अबू से की वजह से उन्होंने अरेंज मैरिज की। एक अंकल हैं जिन्होंने अपने बेटे को ना की कि लव मैरिज नहीं कर सकते, इसलिए उसने कोर्ट मैरिज कर ली। एक हमारे ऐसे लकी इंसान हैं जिन्होंने लव मैरिज की, और मेरा ख्याल है कि अगर मैं आपको ये बताती रहूँगी तो आप प्रोग्राम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हालांकि आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या अरेंज मैरिज अच्छी है, क्या लव मैरिज बेहतर है, और क्या इसके बीच में कोई एक मीडियम जगह नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम टू माचिस एंड सी यू आफ्टर द ब्रेक। मेरा ख्याल है कि लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज एक सदियों पुरानी ये प्रॉब्लम चली आ रही है गुफ्तगू, बल्कि आर्ग्यूमेंट के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि नहीं, अरेंज मैरिज होनी चाहिए, हमारी मर्जी से होनी चाहिए। हालांकि लड़के लड़कियों को मेरा ख्याल है कि हक होना चाहिए कि जिस बंदे के साथ उसे शादी करनी है या जिस लड़की से शादी करनी है, अगर लव मैरिज भी कामयाब हो सकती है। हमारे जो पहले मेहमान हैं उनके साहबजादे ने लव मैरिज की है और आप चाहते थे कि अरेंज मैरिज। मैं अरेंज मैरिज करना चाहता था उसकी, लेकिन उसने अपनी लड़की को कोर्ट में ले जाके कोर्ट मैरिज कर ली। अच्छा, ये मतलब बहुत फिल्मी सीन हुआ कि आपने कहा नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। But it happens in reality, you know. नहीं, तो मगर आपको कैसा फील हुआ? आप ये नहीं समझते कि कोर्ट मैरिज और इतना ज्यादा वो यू नो पब्लिक होने के बजाय आप कहते चलो ठीक है लव मैरिज कर लो, आपकी वजूहत क्या थी? मैं एक्चुअली जो है अपनी भतीजे से करना चाहता था उसकी एक तो ये मैं बहुत तंग हूँ ना कि मामू की बेटी नहीं तो ताई की बेटी क्यों? हमारे पास जनरली यही होता है, आप देखें कि खानदान में शादी होती है और जब खानदान में शादी होती है तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है क्योंकि वो हमारे माहौल को बहुत अच्छी से समझती है, हम उसको समझते हैं। अगर एक बाहर की लड़की आएगी लव मैरिज करके हमारा लड़का लाएगा तो हमारे लिए ज़रा डिफिकल्ट होता है। आई मीन इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन बहरहाल ये मुश्किल होता है उसके लिए भी और हमारे लिए। आपका ख्याल है कि अगर आप खानदान के अंदर ही किसी लड़की को लाएंगे तो बल्कि रिश्तेदारियाँ ख़राब होती हैं क्योंकि सास ससुर समधी हो या बहू हो या साली हो वो हमेशा मतलब वो कभी फिर खानदान नहीं रहता, फिर हो जाता है मेरा तेरा। तो आपका ख्याल है कि बेहतर होगा कि आप बाहर से लड़की लाएं? नहीं, इसका परसेंटेज बहुत कम होता है, ये जो आप फरमा रही हैं इसका परसेंटेज बहुत कम होता है। जनरली जो लड़की खानदान से आएगी वो समझती है ना हमारे मिजाजों को। अच्छा, आपकी आपकी माशाल्लाह अरेंज मैरिज हुई थी कि लव मैरिज हुई? नहीं, मेरी तो अरेंज मैरिज हुई। और आपकी भी किसी रिश्तेदार से हुई? और बहुत अच्छी बहुत अच्छी गुजर रही है, आई एम वेरी हैप्पी विद माय वाइफ। और बच्चे को भी मैंने कहा था कि मेरी भांजी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और आप इससे कर लें, लेकिन वो नहीं माना। अब आ गई है आपकी बहू, घर पे रह रही है? जी, घर पे। कैसी है? वैसे तो ठीक है। सास की तरह ना बात कीजिएगा। वो सास बहू वाला हमने कर लिया है, तौबा। कैसी है बहू? कैसी है? वैसे तो ठीक है, मगर कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और हमको मालूम है कि हम जरा थोड़े से सख्त हैं। अच्छा? हमारी वाइफ भी बड़ी सख्त है। मैं तो इतना नहीं हूँ, मैं तो काफी लिबरल माइंडेड हूँ, लेकिन हमारी वाइफ जो है वो उसको अभी तक याद रहता है कि ये अगर हमारी भांजी से हो जाती तो कितना अच्छा होता। ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या आपके जो बेटे हैं वो खुश हैं? हाँ, वो ही वेरी हैप्पी। तो फिर आपको पेरेंट्स होने के नाते आपको खुश नहीं होना चाहिए? भाई खुश तो हम हैं, तालियां हो जानी चाहिए, इसमें इतना अच्छा सवाल है। खुश तो हम हैं, ऐसा नहीं है कि हम खुश नहीं है। लड़का मैरिज कर लिया, जाहिर है कि हमारी मर्जी के खिलाफ किया उसने, लेकिन फिर भी चलो शादी कर लिया है भाई, एक लड़की को ला लिया है घर पे, अब हमारी वो बहू है, हमारी इज्जत है, हम उसको देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब तो नहीं रिग्रेट होता कि अच्छा कभी ऐसा होता है कि काश भांजी आ गई होती? ऐसा होता है, होता है। अच्छा, अब हमारे साथ ये इनको किसी से प्यार था, बहुत शादी भी होने वाली थी, कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई मगर उसके बाद फिर उन्होंने अपनी अम्मी अबू की बात मानी और शादी कर ली अरेंज मैरिज।
कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। शुरू शुरू में कुछ मसले हुए लेकिन अब ऐसा कोई मसला नहीं, हम दोनों के एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए तो नहीं कह रही है क्योंकि आप टीवी पर आ रही हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं उनसे इजाज़त लेके आई हूँ अपने सास ससुर अपने हस्बैंड से। नहीं मेरा ख्याल है बहुत लिबरल है कि मतलब कि आप खुल्लम खुला आप ये भी कह रही हैं कि हाँ ठीक है मैं किसी को पसंद करती थी लेकिन अब नहीं। लेकिन पहले ये बात जो है ना मैं क्लियर कर चुकी थी उनको, जब उनका रिश्ता आया मेरे लिए मैंने उनके वालदैन से बात की कि मैं किसी को चाहती थी, हमारी फैमिली में सबको पता था ना इमरान के बारे में। अच्छा तो फिर उसके बाद जब उनका रिश्ता आया तो मैंने उनको फ़ोन करके बता दिया कि मैं किसी और को चाहती हूँ और मैं नहीं कर सकती यहाँ शादी। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उनके अम्मी अब्बू मेरे लिए राज़ी थे कि कोई बात नहीं है ठीक है, और इमरान जो अभी स्टडीज़ वगैरह चल रही थी जॉब नहीं थी उनकी अभी, तो इस वजह से अम्मी अब्बू ने बेहतर समझा के इनसे शादी हो जाए ठीक है। लेकिन मैंने उमेर से भी ऑफिस में गई, मैं उनसे बात उमेर की, अब आपके जो जी हस्बैंड हैं जी, तो उनके ऑफिस गए उनसे बात की मैंने, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने काफ़ी शोर मचाया कि वो नहीं चाहती आप प्लीज़ आप मत करें ये वो, लेकिन वो आए रिश्ता तय हो गया और शादी हो गई। अच्छा शुरू में आपको बहुत जी मुश्किल लगा होगा कि किसी से आप प्यार करती हैं किसी और से आपकी शादी हो रही है, अब आपकी शादी कितनी देर हो गई है? मैक्सिमम 9 महीने हो चुके हैं। 9-10 महीने। तो आप मुझे बताइए कि कभी आपका ऐसा होता है कि काश आपकी इमरान से शादी होती? कोई पछतावा तो नहीं है आपको? नहीं नहीं पछतावा अंकल पूछ रहे हैं। नहीं नहीं कोई पछतावा तो नहीं है आपको? पछतावा नहीं है, इसलिए कि आप किसी को पसंद करती थी और नहीं, लेकिन ये होता है कि इंसान सोचता है कि शायद वो होते तो ये होता वो होता, लेकिन मेरे ख्याल में अम्मी डैडी ने बहुत ठीक है अच्छा फैसला किया मेरे लिए, शायद मेरे लिए यही बेहतर था, वो बहुत अच्छे हैं मेरी बहुत केयर करते हैं मेरी बहुत तारीफ की उनका जी। तो मेरा ख्याल है कि सब लोग जो भी हुआ उनके साथ ये माचिस जो है ज़रा मेरा ख्याल है कि डैम्प हुई हुई है, तो मेरा ख्याल है हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे और ब्रेक के बाद आकर मैं ज़रा सही किस्म की चिंगारी लगाती हूँ। वेलकम बैक टू द ब्रेक। मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि हम इन दोनों से पूछें कि लव मैरिज अरेंज मैरिज और क्या इनके मसले हुए या शायद मसले नहीं हुए, मेरे ख्याल है कि अब हम ऑडियंस को थोड़ा सा इंटरैक्टिव करते हैं और आप में से किस किस की शादी हुई है? काफ़ी आप तो वैसे कॉलेज के माशाल्लाह। अच्छा आपकी शादी हुई है और किसी की? मैं तो बहुत सीनियर हूं। अच्छा आपकी भी शादी हुई है। अच्छा तो आप मुझे बताइए कि आप में से किसी की मंगनी हुई हुई है? किसी की मंगनी नहीं हुई हुई। आपका क्या ख्याल है कि आप क्या चाहेंगे, लव मैरिज चाहेंगे कि अरेंज मैरिज चाहेंगे? अच्छा क्यों? अरेंज मैरिज इसलिए सही कि वो तो वालदैनों की तरफ से उनको पसंद होता है इसलिए सही होता है। लव मैरिज में तो आप अभी कॉलेज में कहाँ हैं? आप कॉलेज में अभी तक आपका दिल कहीं नहीं, नहीं लगा? ऐसा नहीं हुआ। शायद इसलिए आप इस तरह बोल रहे हैं, कोई आ गई कोई लड़की, अगर आप फोतिया में गए और आपका दिल आ गया तो फिर शायद आप कुछ और कहें, शायद आप कहें नहीं लव मैरिज है। क्या ख्याल है, क्या आपका तब भी यही होगा कि नहीं जो मेरे वालदैन कहें? नहीं वो तो वैसे मैं तो वैसे ही वालदैन के चलूंगा ना, जो बोलेंगे वो इन पे चलूंगा मैं तो। क्या आप सब इससे इस बात से राजी हैं? होना चाहिए। आप लोगों को डर नहीं लगता कि अरेंज मैरिज पता नहीं कौन हो किस तरह का हो, शादी के बाद पता नहीं मारे पीटे, या अगर लड़की है तो पता नहीं किस तरह हो, फैशन ही करती रहे? मैं तो लव मैरिज किया। आपने लव मैरिज की? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक है जो लव मैरिज की आपने। आप मुझे बताइए कि आपके अम्मी अबू जो थे, लड़की के अम्मी अबू थे, वो राजी थे? नहीं कोई भी नहीं था, ना मेरे वालदैन थे ना उनके वालदैन थे। अच्छा तो फिर क्या कोई आपको प्रॉब्लम हुई? हाँ शादी से पहले तो मतलब इतने खास प्रॉब्लम नहीं, मगर शादी के बाद बहुत ज़्यादा होगी। किस तरह? क्योंकि उनके जो वालदैन थे एक तो वो नहीं मान रहे थे, एक मेरे वालदैन भी नहीं मान रहे थे। मगर शादी हो गई, शादी तो कर शादी हो गई जी, इसलिए कि प्रॉब्लम खड़े हो गए थे। फिर खाने पीने का मसला, रहने का मसला, ये वो बड़े मुश्किलों से पहले तो हम लोग 1-1.5 महीने दोस्तों के यहाँ रहे, फिर उसके बाद ये कि ऐसा ऐसा सेटअप हो गया, अपने मेरे वालदैन ने एक्सेप्ट कर लिया हमें, फिर उनके वालदैन ने कर लिया, इस तरह करते करते आज अल्लाह का शुक्र है हम लोग मतलब 4-5 साल हो गए मेरी शादी को, माशाल्लाह तो बहुत खुश है, हम लोग दो बच्चे भी हैं। अच्छा माशाल्लाह। मगर कोई आप किसी वक्त पे आपने पछताया कि इतना जब आपके साथ हो रहा था, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे कि अच्छा अगर मैं अपने अम्मी अबू की बात सुनता तो ये कुछ नहीं होता? नहीं पछतावा इसलिए नहीं हुआ कि जब मैं अरेंज मतलब मेरी शादी की थी मैंने, तो मेरे ससुराल वाले उन्होंने मुझे मतलब मेरे को बहुत टॉर्चर किया, उन्होंने थाने में बंद करवा दिए थे मुझे, तो उससे मेरा इरादा और पक्का हो गया था, मैंने कहा अब कर लिया ना, अब तो मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं कभी जिंदगी। और आप खुश हैं? अब अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश हूं। कोई और सवाल आप? आपका कोई सवाल था इनके लिए? ये माजी बहुत तल्ख होता है, शायर ने भी कहा है
कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपको अपनी माजी याद नहीं आता? हाँ, इनको मैं डेफिनेटली कहता हूँ इनको पछतावा होगा। ये कसमियाँ भी कहें कि नहीं मुझे कुछ नहीं, इनको वो जो माजी की यादें हैं वो इनको ज़रूर तंग करती होंगी, डेफिनेटली तंग करती होंगी। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि लव मैरिज जो है अगर हो तो हो जानी चाहिए। जी इस पे कुछ रोशनी डालेंगे आप? जी पछतावा तो ज़ाहिर है होता ही है, ऐसी बात तो नहीं कि पछतावा नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझती कि माजी को फ्यूचर पे इतना हावी होना चाहिए कि माजी ही तबाह हो जाए। ठीक है, अगर नहीं हुई तो नहीं हुई। अब इसमें ये तो नहीं मैं कर सकती ना कि इसको भी ख़त्म कर दूँ वो भी ख़त्म, तो इसका मतलब मैं ख़त्म नहीं। मेरा मतलब ये कहने का नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो वो यादें हैं माजी की वो डेफिनेटली तंग करती होंगी। उस वक्त आप क्या करती हैं? करती थी, अब नहीं, अब नहीं करती। मेरा सवाल ये है क्या करती हैं अब? करती नहीं है, करती थी। अच्छा आप पहले मुझे ये तो बताइए कि आपकी लव मैरिज या अरेंज मैरिज ये कोई आप इनके थ्रू कुछ अपनी तो नहीं आप दिल की बात? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर लव मैरिज है तो लव मैरिज हो जानी चाहिए, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट टाइम होती है। लेकिन नहीं होती तो इसका मतलब ये तो नहीं कि फ्यूचर में जो आप अपना मुस्तकबिल भी तबाह कर रहे हैं। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि मुस्तकबिल बन नहीं पाता। नहीं मगर ये तो बिल्कुल खुश लग रही है। तो शायद ने जब ये कहा है कि याद माजी अजाब है यार अब एक था मुझसे हाफजा मेरा, वो कह दिया ना उन्होंने, वो तो उसने इसीलिए कहा था। काश मेरी शायरी कोई कोई इसकी इनके जो शेर का कोई काउंटर कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता काउंटर, क्योंकि इसमें हकीकत है। ये तलखियां जो है ना कभी इंसान का साथ मगर पता है दो ऑप्शंस होते हैं मेरे ख्याल है कि या तो आप उन तलखियों को लेकर और उन यादों को लेकर या तो आप आतिफ की तरह वो यादें गाना गाएं भीगी यादें, या फिर आप कहें कि नहीं अब ये नहीं हो सकता, अब ये मेरी जिंदगी है और मैंने अपनी जिंदगी इस बंदे के साथ बनानी है। क्योंकि जो जिसके साथ प्यार करते थे अगर अगर सच्चा प्यार होता जो भी था वो शादी हो जाती। उनको आप देखिए उन्होंने अपनी मिसाल दी कि वो भागे हैं थाने में तक उनको रिपोर्ट उनकी दर्ज की है। इतना बोल्ड स्टेप लिया है तो इसका मतलब फिर आप इसको लव नहीं कहे ना? मुझे भाग जाना चाहिए था अपने वालदैन की इज्जत को खराब करती भाग जाती तो इसके बाद मैं तो खत्म थी। अपना अंदर अपना आप मारना ठीक है लेकिन अपने वालदैन को मारना ये मैं नहीं समझती कि ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको लव मैरिज कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए थी, मतलब भाग जाती है घर से, खत्म हो गई। लेकिन और आप अगर इनके खुदा ना देखिए आप सोचिए आपकी बेटी है ठीक है वो लव मैरिज करना चाहती है, लड़का अच्छा नहीं है, वो स्टैंड नहीं है, वो कोई ना कोई फॉल्ट है उसमें, तो आप क्या करेंगे? मतलब कर देंगे शादी? कोई बात नहीं है, बिल्कुल मैं कर दूंगा। आप कर देंगे ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझती क्योंकि समझदार बाप या वालदन कोई नहीं करेंगे। इसलिए कि जिंदगी उन्होंने गुजारनी। आप अगर किसी लखपति से शादी करती हैं कल का क्या पता है आपको कल क्या होने वाला है? लखपति मैं नहीं कहती कि मेरे, मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको कि आपने तो वालदन ने भी अच्छा समझ के किया है लेकिन कल क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं। जो ये सब राजी अगर राजी और खुशी सब लोग इस तरह के ठीक है प्यार किया नहीं हुआ किसी और से शादी की तो फिर मेरे ख्याल में मैं समझती हूं कि भागना ही बाकी था। ये सिचुएशन मैं मतलब कि अगर मैं वालदैन की नहीं मानती ठीक है मेरा रिश्ता तय हो चुका है बारात आई हुई है तो मैं क्या करती भाग जाती? नहीं बारात तो, नौबत ही नहीं आती है ना जब नहीं नौबत इस वजह से नहीं आती ना इसलिए कि बारात आने से पहले पहले ये चीजें डिसाइड हो जाती तो है। क्या आप जो है ना ये आपके सामने मिसाल क्या मैंने कोशिश नहीं की होगी आपके आपके कहने के क्या मतलब कि बस उन्होंने कहा मैंने उमेर के साथ जाके ऑफिस में बात की उनके वालदैन को सब बताया कि इमरान ये वो सब बता दिया लेकिन उसके बावजूद वो भी करने को तैयार थे। वैसे एक बात आपने हमें नहीं बताई कि आपकी क्यों नहीं शादी हुई इमरान से? वो भी स्टडीज चल रही थी उनकी और... तो आपकी भी स्टडीज चल रही है? नहीं नहीं आपने कर लिया था? जी मतलब हम दोनों का भी डिफरेंट था ये एक दो साल का बस। तो ये आपने सोचा नहीं था पहले जब आप मतलब कि आप व्हेन यू स्टार्टेड भाई आपको पता है कि जब प्यार होता है तो ये तो नहीं सोचा जाता कि फ्यूचर में क्या होगा मगर मैं इनको ऐसा कुछ मतलब कि दिल के अट्रैक्शन होती है ये इनकी अम्मी अबू की दुआएं के साथ है इन्होंने सही कदम लिया। क्या कभी कभी जब नहीं होता तो फिर आप ठीक है आप अरेंज मैरिज करें और वो बहुत खुश है? मेरा तो ख्याल है कि बहुत हमारे साथ जो हमारे अगले गेस्ट थे इन्होंने लव मैरिज की। पहले तो मुझे बताएं कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क क्या होता है? देखें मैंने तो लव मैरिज की है तो या लव मैरिज में हमेशा वो फिल्मी चीज होनी होती है कि माँ बाप मुखालफत करते हैं फिर किसी ना किसी तरह से भागकर लड़की को लेकर जाकर शादी करनी होती है। क्या अरेंज और लव मैरिज के बीच का कोई हल नहीं है?
है इसमें ये फर्क इतना है कि अरेंज मैरिज जो होती है माँ बाप की मर्जी से होती है और उसमें लड़के की मर्जी भी मैं समझता हूँ होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आजकल ये होता है कि अरेंज मैरिज के लड़के ने लड़की को देखा नहीं और माँ बाप ने शादी करा दी, एंगेजमेंट हो गई फिर शादी हो गई, तो मैं समझता हूँ अच्छा नहीं, सही नहीं है, गलत है। तो लव मैरिज में ये भी तो हो सकता है कि आपको कोई लड़की पसंद आए तो आप कहें कि अम्मी अब्बू के पास जाएं, उनको कहें कि ये लड़की है, आप उनके पेरेंट्स के पास जाएं और रिश्ता डालें और शादी। हाँ ये भी इतना सिंपल सी बात है, उसको क्यों ये जलेबियों की तरह कॉन्वोल्यूट करके ट्विस्ट करके लव मैरिज और अरेंज मैरिज। नहीं अरेंज मैरिज तो ये हो गया, आपकी बात भी ठीक है एक तरह से, लेकिन जो मैंने लव मैरिज की है उसमें मेरी माँ की मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि क्यों नहीं थी, ये तो वो किसी और से शादी कराना चाहते थे कि फैमिली में वो ये बड़ा आम मसला है। बिल्कुल। कि वो अपने खानदान में करना चाहते हैं जी। बिल्कुल। और तो मेरे खानदान से जिससे मैं लाइक करता था, जिसे पसंद करता था, जिससे मैं शादी करना चाहता था, तो वो मेरी विदाउट फैमिली थी। अच्छा। तो ये घर वाले इसलिए इतराज कर रहे थे, ना उनके घर वाले एग्री थे ना मेरे घर वाले एग्री थे, लेकिन बाद में ये हुआ कि इसका कोई हल निकला, बस ये आपने लव मैरिज कर ली। लव मैरिज कर। और अब वही माँ बाप जो मुखालिफ थे वो अब दोनों जो दोनों के माँ बाप जो है वो खुश हैं। बिल्कुल खुश हैं और ऐसी कोई घर में भी कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, कोई इस तरह कोई वो है नहीं। तो आपकी अम्मी का किस तरह का रवैया है, क्या वो टिपिकल सास बन गई है कि क्या वो है कि ठीक है मेरे बेटे की बहू है बीवी है तो ठीक है? अभी तो क्योंकि इतना टाइम हुआ नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हर घर में लड़ाई झगड़े छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं और स्टार्टलेस है ना और ज्यादा करने के लिए तो देने के लिए तो आप देखेंगे ये शुरुआत दो महीने हुए हैं शादी होके, अब दो साल बाद देखेंगे कि क्या सिचुएशन होगी। हम भी दो साल बाद देखेंगे कि आप अपनी बहू के साथ कैसे हैं। बिल्कुल, आप तो बड़े ईवल से लग रहे हैं कि बस अब मैं कोई दूसरी शादी का नहीं आप सोच रहे हैं, अपने लिए नहीं अपने बेटे के लिए भांजी को ले आऊं। अगर मैं इस से शादी करूंगा तो डेफिनेटली मैं पसंद करके करूंगा। अच्छा, अल्लाह। ये दौर गुजर गया, हम मैच्योरिटी के स्टेज में, हम मैच्योर हैं, लड़का जो है अभी। मगर सुने आप सब, आपकी उम्र पे जाकर तो नहीं लव मैरिज कर सकते ना कि दूसरी शादी? एक डबल होती है वो अपनी अपनी, हम जाहिर है कि एक मैच्योर आदमी है, हमें अंदाजा है कि बहुत मैच्योर माशाल्लाह, क्या अच्छा है क्या बुरा है हमें अंदाजा होता है, तब हम पसंद करके अगर करते हैं तो उसमें कोई लॉजिक है। लेकिन ये लड़के जिनको कोई यानी तजुर्बा जिंदगी का भी नहीं है, मगर इसी तरह से तो हंसते बसते सब जीते हैं और खुशी। लेकिन आप जनरली देखें, आप जितनी भी लव मैरिज की केसेस हैं वो ज्यादातर आखिरी में लड़ाई झगड़े के ऊपर खत्म होते हैं। क्या आप लोग अग्री करते हैं? नहीं, वो देखें वो लव मैरिज वाले ने कहा एक सेकंड, प्लीज इनको माइक दीजिए, वो जरा जवाब दें। देखें ये कह रहे हैं कि जो लव मैरिज कहते हैं तो एंड में जाके ना वो अलग हो जाते हैं, वो बात इनकी सही है, मगर हमने ऐसे ये नहीं कि हमने की लव मैरिज की इसलिए कह रहा हूँ, नहीं, इसके अलावा हमने ऐसे देखें कि आज तक 20 साल हो गए उनकी शादियों को, आज तक उनके कभी लड़ाई नहीं हुई आपस में, वो क्या है लव मैरिज की उन्होंने, ये जरूरी नहीं है कि लव मैरिज करने के बाद मतलब तलाक। नहीं, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल जो देखा गया है मेजॉरिटी ऐसे केसेस होते हैं। नहीं, वो बात आपकी, मैंने यही कहा कि वो बात आपकी सही है, मगर ये कि ये भी जरूरी नहीं है कि हर लव मैरिज करने वाला आगे जाके लड़ाई करे या छोड़ दे अपनी बीवी। नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि इतनी अरेंज मैरिजेस होती हैं जिसके अंदर बेटी अच्छा इसलिए कि उसके पास ग्रीन कार्ड है या दुबई में है, वहां जाकर पता चलता है कि वो पता नहीं क्या कर रहे हैं और भेज देते हैं बेटियों को और फिर वो बेटियां वापस आती हैं रोती हुई कि टॉर्चर है कि बस कि कभी कभी माँ बाप ये नहीं सोच, मुझे ये यकीन है कि माँ बाप कभी अपनी बेटी या बेटे का बुरा नहीं चाहते, मगर वो जो समझते हैं कि सही है शायद वो सही नहीं है। और इतनी अरेंज मैरिजेस में लड़कियां पिसती हैं बाद में, मतलब कि आप लकी हैं कि ठीक है आप खुश हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि आपने शुरू में सब कुछ जाहिर कर दिया। हालांकि अगर आपने जाहिर किया तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो आपको जिंदगी भर ताना बनाते हैं ये बात को कि आप तो लूज एंड फास्ट थी, तेज थी लड़की कि पहले किसी और के साथ थी। तो मेरा जी अब आप मुझे बताइए, तो जैसे इन्होंने कहा कि अंकल ने कि लव मैरिज कामयाब नहीं होती, लेकिन मैं लव मैरिज की और मैं समझता हूँ कि मोहब्बत सच्ची हो और लगन सच्ची हो, मेहनत अगर आपकी ये कि मोहब्बत सच्ची है तो वो बढ़ती है, उस कम नहीं होती हमेशा ये। अच्छा, अब हमारे साथ हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारी गेस्ट हैं उनका एक बेटा और एक बेटी है जी। बेटी ने लव मैरिज जी हाँ, बेटी की पसंद की शादी है। अच्छा, और बेटे की हमारी पसंद की शादी है। ठीक है, तो बड़ा कौन है, लड़का के लड़की? लड़की हमारी बड़ी है, लड़का हमारा छोटा है। तो आप मुझे बताइए कि आपके घर में तो दोनों चीजें हुई है ना, एक की लव मैरिज हुई एक अरेंज जी। लव मैरिज लड़की की क्या हुई, मुखालफत से हुई आपकी कि नहीं, राजी राजी? नहीं, लड़की को एक अपने अंडरस्टैंडिंग हो गई तो उसने हमें आके बताया कि भाई मैं आमिर से शादी करना चाहती हूँ,
तो हमने उसको बुलाया, हमने कहा भाई मिलवा दो पहले हमें, वैसे तो हम पैसा नहीं कर सकते। तो उसने हमें मिलवा दिया, फिर हम उनके ख़ानदान के लोगों से मिले। एक्चुअली मैं इसलिए मुखालफत नहीं थी कि भाई लव हो रहा है, लव की मैं मुखालफ नहीं, लेकिन तरीका गलत हो जाता है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि हम सब इनसे आई थिंक हम सब इन्हीं इनके साथ एग्री करते हैं कि लव से किसी को मुखालफत नहीं, कि तरीका जो होता है ना कि भाप कर करनी है और हमने फिल्म स्टार बन जाना है उस तरह से हीरो हीरोइन, वो नहीं होना चाहिए। हमारे बेटे ने कोई लड़की पसंद ही नहीं की, अगर वो पसंद करते तो हम उनसे भी मिलते और उनकी शादी वहाँ करवा देते, लेकिन उन्होंने हमसे कहा हम तो आपकी मर्ज़ी से करेंगे, जहाँ आप हमारी शादी कराएंगी वहाँ हम कर लेंगे। तो हमने अपने ख़ानदान में अच्छी सी लड़की देखी। अच्छा, अपने ही ख़ानदान में? जी। ये क्यों होता है कि अपने ही ख़ानदान से आपको, मतलब कि अब साइंस इतनी तरक्की कर दिया कि वो कहते हैं कि अपने ही इंटर मैरिजेस में बहुत इट्स नॉट हेल्थी, वो सही प्रॉब्लम होती है। हमारी इतने करीब रिलेटिव नहीं है वो। अच्छा, थोड़ा दूर है वो, बिल्कुल फर्स्ट कज़िन नहीं है वो। फर्स्ट कज़िन से मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन दूर में नहीं होते। तो लड़के को पसंद आई, फिर हमने दिखाया उसे, उसको पसंद आ गई और शादी हो गई। और अरेंज मैरिज भी वही हुआ कि जब रिश्ते के लिए गए, लड़की ने ट्रॉली लेकर आई, फिर उसने चाय डाली और उसको बिस्किट खिलाए, कहा कि जी मुझे गजरेला भी बनाना है। हमारे यहाँ का आप जानती हैं दस्तूर है, उसके क्यों है, क्यों क्यों समझा जाता है कि लड़की जो है वो एक शो पीस है अरेंज मैरिज। मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं अरेंज मैरिज, अम्मी ने तो अब हाथ धो दिए, वो कहती है बेटा ठीक है जो भी, कि मुझे ये टेंशन हो कि अच्छा क्या मैंने जाना है ट्रॉली, क्यों मैंने मास्टर्स, इसलिए कि मैं ट्रॉली लेकर आऊं किसी आंटी के सामने जिसको मैं जानती नहीं हूं, और वो उसका क्या हक बनता है उस औरत का कि वो मुझे पूछे कि जी अच्छा, और उनके पास कैसा हक है कि वो मुझे सिलेक्ट करे या रिजेक्ट करे। रिजेक्ट का हक तो लड़की वालों को भी है, वो भी लड़कों को रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप रिश्ता भेजें और लड़के का और रिजेक्ट ना हो, वो भी रिजेक्ट हो जाता है। मगर ये पूरी चीज आपका ख्याल है कि कुछ और मॉडर्न कुछ होना चाहिए इसका सोल्यूशन, जरा सोचें आप और हमें जरा बताएं, ताकि हमारे व्यूअर्स भी सोचें और देखें कि जरूर ट्रॉली आनी होती है, जरूर उसने चाय करनी होती है। मुझे नहीं आती बनानी भाई, मैं क्या क्या मुझे इसलिए रिजेक्ट कोई कर दे कि अगर वो जा रही है और कुछ गिर गया है। हाँ, लेकिन खानदान क्या दूसरी बातें, ये मेरा ख्याल है हम इतने मॉडर्न हो गए, हमें वी नीड टू मूव आउट ऑफ दीज थिंग्स। वो तो आप सही कह रही हैं, लेकिन रस्म और रिवाज हमारे खानदान में अगर हम शादी करते हैं, वो लड़की देखी भाली होती है, वो खास जरूरी नहीं है कि ट्रॉली ही लेकर आए, वो वैसे भी आती है, देखता ही है उसको, तो ये अजनबियों में तो होता है। एक नई नजर से देखा जाता है कि अच्छा मेरे बेटे के साथ ये सही रहेगा कि नहीं। वही आप मुझे बताएं कि अच्छा कितनी देर हो गई अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों शादियों में? एक का एक साल हो गया है कि दो साल हो गए हैं। आप मुझे बताएं, मतलब कि ऑफकोर्स बेटा भी बेटी भी आपकी बहू भी है और मतलब कि दामाद भी है। जी जी। तो क्या दोनों उतनी ही खुश हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिज से, कि कोई ज़्यादा खुश है? नहीं, वो जो मेरी बहू आई है वो ज़्यादा खुश इसलिए है कि उसको तमाम हमारे यहाँ के रस्म, हो सकता है आप इख्तलाफ करें लेकिन बात ये सही है। नहीं, मैं हमारे बात करी रस्म और रिवाज से, वो वाकिफ है। हमारे यहाँ जिस तरह की उठना बैठना है, खाना पीना है, जायके हैं, उस तरह की वो जब चीज़ें पकाती है तो उसे कोई ना कोई मुंह बनाता है ना कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरी बेटी जहाँ पे ब्याह कर गई है, गो के वो लव मैरिज है उसकी, लेकिन सुसाल तो है, सुसाल के साथ भी उसको निभाना है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अच्छा, तो उनको नई तरीके पसंद आते हैं मेरी बेटी के, तो वो एतराज़ कर देते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो इस तरह का खाना नहीं खाते, या हम तो, मगर ये छोटी छोटी बातें नहीं कि क्या वो प्याज फ्राई करके लाल मिर्च डाले या वो लाल मिर्च डालकर मतलब काली मिर्च डाले क्या मतलब, ये तो छोटी छोटी चीजें, अगर वो अपने मियाँ को खुश रख रही है। इसको थोड़ा टाइम लगता है, अगर लड़की समझदार है तो वो अपने ससुराल वालों को अपने बराबर कर लेती है, वो उसको समझने लगते हैं और वो उनको समझने लगती है। मैं तो समझती हूँ ये काफी अच्छा। मेरा ख्याल है कि हमने आपस में बहुत बातें कर ली और अब वक्त हुआ है कि आप लोग, अगर आप लोगों ने इनसे कुछ सवाल करने हैं तो आप कीजिए। वैसे तो सब फरमाबरदार बैठे हुए हैं, सब ने अरेंज मैरिज इंशाल्लाह करनी है, आगे आगे देखते हैं कि ऐसे में होता क्या। अभी तो आप कॉलेज में है ना, तो आपने अगर कोई सवाल करने हो, आपने मतलब लव मैरिज किया सही है, तो मतलब आपकी वाइफ जो है आपको मतलब खुश करती है, आपकी वालदा को नहीं खुश करती, तो मतलब होती है ना अनबन, तो नहीं ऐसी बात नहीं, घर में ही पेरेंट्स भी खुश हैं, ऐसी बात नहीं कि नाराज हैं या कोई लड़ाई झगड़े हैं, घर में होता है। लेकिन हमारे घर में आपके आपके मुंह की बात है कि अभी तो दो महीने में सही है। जी जी, अभी तो आपने पूरी लाइफ गुजारनी है। सही, पूरी लाइफ गुजारनी है ना, तो अभी आगे चल के पता नहीं क्या होता है। इससे अच्छा बंदा के अरेंज मैरिज करे,
ताकि अगर कुछ अनबन हो तो आप बंदा कह तो सकता है ना कि आपकी मर्जी की है। अरेंज मैरिज आपकी बात काट रहा हूँ, अरेंज मैरिज अपनी जगह पर है, लव मैरिज अपनी जगह पर सही है। लेकिन मतलब आपने कहा कि अगर अरेंज मैरिज है तो ठीक है, अगर लड़ाई हुई तो लड़की भी कह दे लड़का भी कह दे अम्मी छोटे है ना, मतलब कि अगर लड़की की तरफ से हो ना कि झगड़ा बड़ा कर लो। मैं जो सोच रही थी कि आप लोग फरमा बरदार हैं ये मैं गलत सोच रही थी, आप सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि अगर कोई गलती हो या कुछ हो तो आप फौरन अम्मी अबू के ऊपर बिगड़ जाएंगे, ये आपने कहा बात करें ये बात है ना बिल्कुल जी, ये तो बात बढ़ाने वाली बात है ना, पीएचडी की हुई माशाल्लाह जी जी। देखे ये जो कह रहे हैं ना ये बात इनकी बिल्कुल मानने वाली नहीं है, क्योंकि देखे अगर जरूरी नहीं है कि बंदा लव मैरिज कह रहे हैं कि आगे जाके, पहले वही बात आती है कि आगे जाके मतलब अलमर हो या वालदा से हो किसी के साथ हो। देखिए ये होता है घर का मतलब, जो अरेंज मैरिज करते हैं उनके घर में भी लड़ाई झगड़ा होती है सास बहू की किसी की भी मतलब एटूर होती रहती है, मगर ये कि जरूरी नहीं है कि लव मैरिज करने के बाद घर में झगड़े हो तो बंदा किसी को कोसे भाई तुमने लव मैरिज किया तो ये मसला बन गया, ये तो अरेंज मैरिज भी होता है। अच्छा आप में से मुझे बताएं जो लड़कियां बैठी हैं, अब ये जो मेरा सवाल है लड़कियों के लिए कि कोई आप कोई और हल है ट्रॉली के बजाय कुछ, किस तरह से आप चाहें कि रिश्ता अगर आपका आए, सबने कहा अरेंज मैरिज होगी तो किस तरह से आप चाहें कि जो लड़के वाली आए आपको देखने के लिए अम्मी अबू, तो वो किस तरह से हो, क्या ट्रॉली ही आप करेंगे कबाब फ्राई कर और वो सब, या कोई और तरीका होना चाहिए जी? मुझे सबसे पहले बताइए कि आप कॉलेज में हैं, आप कितने साल की हैं और कितने अभी अरेंज मतलब कि आए हैं प्रपोजल्स? नहीं सर अभी तो नहीं आया। अच्छा एक दो रिश्ता आया है मेरा, मैं तो किस तरह आए रिश्ते, क्या आपने ट्रॉली ट्रॉली लेके नहीं गई थी? ठीक है सवाल जवाब हुआ आपसे, लड़के वाले ने पूछा क्या क्या पका सकती हैं, क्या क्या होता है, मुझे सवाल जवाब किया यही किसने पढ़ती क्या काम करती हूँ क्या काम आता है, फिर उनको उसी तरीके से जवाब दिया और तो अभी तक रिजल्ट कुछ आया? रिजल्ट आया, उनको पसंद आ गई थी। आए अच्छा थी। तो उसके बाद क्या हुआ? तो अब मतलब कि आपकी बात पक्की हो गई भी है? हुई नहीं, लड़का हमें पसंद नहीं आया अम्मी लोग। कोई अच्छा नहीं था और लड़का भी मेरे लिहाज से ठीक नहीं था। अच्छा मतलब कि आपकी वाल्दैन ने इजाजत दी आपको लड़के को अपने देखा क्या कोजा सा था? नहीं मैंने नहीं देखा, मेरे उन्हें खुद देखा था, अम्मी अब्बू ने। अच्छा सपोज़ उनकी जॉब अच्छी होती सब कुछ होता मगर वो कोई कोजा जॉब अच्छा होता जो अच्छी जॉब अच्छा होता उनका अगर वो अच्छे होते तो जाहिर बात तो हो जाता हमारा हो जाता जी। तो आप तैयार थी? कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, हमारी फैमिली तैयार थी तो मैं भी तैयार। रजनीकांत की तरह लगे कोई बात नहीं मैं तो पसंद नहीं करती, आप क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ कि मतलब कि तो शक्ल का कुछ नहीं होता? शक्ल अब जरूरी थोड़ी कि आदमी शक्ल ही देख के शादी करे, नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने कब कहा? दिल देखना चाहिए आदमी का, शक्ल पे कुछ भी नहीं होता है। अब शक्ल अच्छा है दिल खराब हो हम शादी कर ले बाद में। हाँ आप मुझे बताइए आप भी शादीशुदा नहीं, आप ही अभी सिंगल है, मंगनी हुई भी है, आप मुझे बताएं कि रिश्ता कैसे आया था? अब मैं ठीक है बच्चों आप सब जो है ना, अब मैं पूछकर अब आप बताती जी बताइए। ट्रॉली मेरे काफी सारे रिश्ते आए थे। अच्छा काफी सारे आए पर ना अब भी नहीं करना चाह रही थी, और ये वाला जो रिश्ता आया था वो अपनों में से आया। अच्छा और ना अम्मी मंगी नहीं करना चाहती, इन लोगों ने जबरदस्ती करी कि कर लो कर लो और शादी। और ये रिश्तेदारी में उन्होंने अब शुरू ही उन्होंने जबरदस्ती से कर ली। हाँ देख ले हम लोग महल्ले में रहते थे तो ये लोग आए थे तो एक ही दफा में देख लिया था, तो ना अम्मी से इन लोगों ने बात करी थी, अम्मी मना कर रही थी कि नहीं अभी मंगनी कुछ नहीं करेंगे हम लोग, तो उन लोगों ने जबरदस्ती मंगनी कर। अच्छा आगे आप ये जो फिरोजी में उनके पास माइक जरा पास करें, आपके रिश्ते आए जी? अच्छा रिश्ते आए आपके, तो आप अभी तक मंगनी या हाँ शुदा या कुछ? मेरी मंगनी हुई थी, हुई थी टूट खत्म कर क्यों? वो ये देखें अंकल ये आप इनकी बात सुने, ये रिश्तेदारों के अंदर जो मंगनी होती है, फूफी ने काफी मसले मसाइल किए बहुत, ये यहाँ नहीं जाएगी वहाँ नहीं जाएगी ये है वो है, इस वजह से हम लोगों ने खत्म। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले जब फूफी सिर्फ फूफी थी और ये ख्याल नहीं था कि रिश्ता होगा, तब फूफी इसी तरह से थी कि पहले बिल्कुल ठीक थी? पहले बिल्कुल ठीक, तो फिर ये क्या हुआ? आपका क्या ख्याल है कि ये क्यों इस तरह से तोड़ी, किसने आप लोगों ने तोड़ी जी? आप आजादी चाहती थी
नहीं अच्छा नहीं इसका मतलब ये नहीं खुद भी अश्ताव बन गई भाई क्या मतलब कि आप बताना चाहती थी मतलब ये है कि इनको ज्यादा इंडिपेंडेंस चाहिए नहीं शादी कह रही है ना कि नहीं वो कह रही है कि खुद भी पहले बिल्कुल सही थी उसके बाद जब मंगनी हुई उसके बाद उसने कहा कि यहाँ नहीं जा सकती वहाँ नहीं जा सकती तो क्या करे शादी ना हुआ तो कुछ नहीं नहीं आपके पास माइक नहीं है वापस ऊपर आप लव मैरिज बड़ी खुश है आप नहीं नहीं अंकल अंकल किसी हम अभी बात करेंगे ना तो अब आप मुझे बताएं कि इसके बाद आपका कोई दिल खराब हुआ आप चाहती हैं कि अब अरेंज मैरिज ना हो और शायद लव मैरिज हो जी, जाए लव मैरिज है ना आगे आगे माइक जी अच्छा आप मुझे बताएं आपके भी सब लड़कियां जो है वो रिश्ते वाली उम्र की हैं आपके भी रिश्ते आए जी मेरे रिश्ते आए नहीं अभी तक लेकिन मुझे लाइक करा है किसी ने अच्छा तो वो लेकर आए थे रिश्ता अच्छा और फिर तो मेरी बात पक्की हो गई है अच्छा बात पक्की होगी और ये मतलब कि ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज की मेरे ख्याल है कॉम्बिनेशन हुई ना जी कि वो आपको पसंद करते थे आप उनको पसंद करती जी जी तो बस तो फिर इस घर वाले भी राजी हैं जी शुक्र कुछ ये भी बोल रहे हैं कुछ जी जी बताइए ये कह रहे हैं लव मैरिज के बारे में जी गवर्नमेंट से एग्री नहीं करता क्यों इसकी वजह यह है कि मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने भी लव किया था ठीक है उन्होंने लड़की से लव किया मोहब्बत की नहीं शुक्र है लड़की से नहीं करेंगे ठीक है पहला स्टेप यही होता है उसके बाद फिर लड़की से करेंगे जी जी माशाल्लाह बिल्कुल मोहब्बत की उसकी वजह से उन्होंने मार भी खाई घर से मार भी खाते रहे हमारा दरवाजा खानदान से बाहर शादी नहीं करते अच्छा उन्होंने मार भी खाई उसकी खातिर और आखिर में क्या हुआ वो लड़की छोड़ के चली गई क्या फायदा ऐसी मोहब्बत करने का मगर ये हर हर केस में तो नहीं होता अब आप मुझे बताएं कि आपके भी शादी हुई भी है रीजन तो बताएं मैं ना तो मैं छोड़ के मोहब्बत करता हूं मैं तो माँ बाप के कहने पे चलूंगा माँ बाप जो करते हैं वो 100% सही रहता है हमारा पूरा खानदान जो है इसे ये पूछे कि रीजन क्या खानदान है हमारे चार मेरे वालिद हैं उसके साथ तीन भाई हैं इन्होंने मैरिज की है लव मैरिज नहीं की आज तक ये खुश रह रहे हैं और अल्लाह जबर खुश रहेंगे इंशाल्लाह अच्छा अब मैंने अंकल से एक सवाल करना है अंकल मुझे बताइए कि आप जब कॉलेज में थे तो कोएड कॉलेज था लड़कियां भी थी लड़के भी थे जी को-एजुकेशन थी को-एजुकेशन थी तो मुझे बताइए कि वहां हसीन लड़कियां होंगी आप शोक मजाज अभी भी हैं तो तब भी बहुत होंगे तो किसी पे आपका दिल नहीं आया दिल आया था लेकिन मजबूरी थी क्या मजबूरी थी लड़की से मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी अच्छा लेकिन हमारे घर वालों ने कहा नहीं उन्होंने मुझे प्रेस किया और उस जमाने में चूंकि बहुत ज्यादा मतलब है कि खानदान में ही शादी करते थे जनरली बाहर से नहीं लाते थे शादी करके घर वालों ने मुझे मजबूर किया कि नहीं भाई तुम्हें शादी यही करनी है वरना नहीं करना तो लड़की का अपने दिल तोड़ दिया क्या उससे कोई अंडरस्टैंडिंग थी कि आप शादी करेंगे उससे मैम हाँ मतलब है कि ऐसा कुछ डेवलप हुआ था कि ठीक है भाई तो फिर आपका प्यार जो था वो सच्चा नहीं था वरना आप भी भगा मजबूरी से मजबूरी से कह रहे हैं हाँ क्या सच्चा है कि मैं अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आ गया क्या इसलिए आप अपने बेटे से भी इस तरह बदला ले रहे हैं आपको तो वो कहना चाहिए था बेटा तुम लव मैरिज बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह नहीं जो मैंने कर पाया जो लड़की जो है वो हमारे हिसाब से मतलब है कि नहीं पसंद थी हम लोगों को ये नहीं कि लड़की बुरी थी आई डोंट मीन टू से बहू बिल्कुल मायना करें वो ऐसी दिल की बात करें मतलब हाँ लड़की बहुत अच्छी थी लेकिन चूंकि वो हम खानदान की लड़की से करना चाहते थे सिर्फ यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये होगा तो मैं अपनी भांजी से करना चाहता था वो लड़का जो है जाहिर है उसको पसंद कर लिया उससे हो गई थोड़ी रिफ्ट क्या तजवीज देते हैं आप चारों आंटी के जो जो इनकी बेटी है उनकी लव मैरिज हुई है बेटे की अरेंज मैरिज हुई है आपकी लव मैरिज हुई है आप लव करती थी मगर शादी आपकी अरेंज मैरिज हुई है अंकल ने लव मैरिज करते करते रह गए और उन्होंने अपने बेटे को फोर्स किया कि अरेंज मैरिज इसलिए वो भाग कर कोर्ट मैरिज करके मगर आखिर में वापस आपके पास ही हमारे पास आ गए क्या तजवीज देते हैं आप सारे मतलब के जो नौजवान हैं उनको क्या देते हैं आप क्या मुझे बताइए कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए लव मैरिज आप क्या क्या कहते हैं मेरे तो ख्याल में अगर लव सीरियस है अच्छा लव है तब तो फिर कर लेना चाहिए ये कैसे पता चलता है कि अच्छा लव है कि बुरा लव है ये तो कोई नहीं जानता इस तरह पता चलता है कि अगर दोनों ही इन्वॉल्व हैं तब तो ठीक है वरना ऐसा ना हो कि लड़का इन्वॉल्व है लड़की नहीं है तो फिर प्रॉब्लम ये कैसे पता चले ये पता चल जाता है पता चल जाता है आफत के बावजूद भी वो लोग दोनों शादी करना चाहते हैं भाग नहीं जाता एक आध कोई वरना लड़की अगर पसंद कर रही है इतना नहीं कर रही और माँ बाप के प्रेशर में आकर शादी कर लेती है जिसका मतलब है उसके लव में कुछ
थी। आपके लव में कुछ कमी थी? नहीं नहीं, मैं तो यही समझती हूँ। आप बताइए कितना बुरा लगता है भाग गए भाग गए वो कोई बाइज्जत, मतलब सोचे कि आपके बच्चे होने, बच्चों के बच्चे होने के मामा, जब बच्चों की शादी होगी वो कहेंगे नहीं नहीं उनके तो पेरेंट्स लव मैरिज ही तो नहीं। मैं समझता हूँ कि अरेंज मैरिज भी सही रहती है क्योंकि पेरेंट्स भी एग्री होते हैं, लेकिन लव मैरिज भी एक तरह से इस तरह से अच्छी है कि जब आप किसी लड़की को पसंद कर रहे हैं तो लाजमी आप लव मैरिज करेंगे, अरेंज क्यों करेंगे आप जब एक लड़की को। एक सेकंड, वो बहुत जोर से हाथ करे, मेरे ख्याल है अब हमें अच्छा जरूरत है ब्रेक पे जाने की, और फिर हम आते हैं फौरन से पेशता ब्रेक के बाद और फिर हम बातों को कंटिन्यू करते हैं। मेरा ख्याल है कि आप दोनों पहले तजवीज दे दें, उसके बाद हमारे पास दो बुजुर्ग हैं और मैं देखना चाहती हूँ कि आप दोनों के क्या एक जैसे ख्यालात हैं कि मुख्तलिफ हैं। आप मुझे बताइए क्या तजवीज देती हैं आप? माजी को भुलाना इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए माजी को भुलाने की, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर मेन चीज़ है, ठीक है, माजी इतना कोई मेन नहीं है, बुलाना तो मुश्किल तो है। आंखों में आंसू क्यों है? नहीं नहीं आ रही होंगी उनकी क्या अभी तक? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आपकी अफसरदगी से ऐसा लग रहा। नहीं नहीं अंकल माचिस में हूँ। नहीं जी बताइए, जो माजी को हावी कर लेते अपने ऊपर, अपना फ्यूचर तबाह कर देते, इसलिए मैं सब लड़कियों से यही कहना चाहूंगी कि जितना भी हो सके अगर अरेंज मैरिज हो चुकी है उनकी तो अपने लव को भुला दें तो अच्छा है, अगर वो फ्यूचर बेहतर गुजारना चाहती हैं तो। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि भाई शादी करे लड़का, वो खातून की मेरी बात बहुत अच्छी लगी कि अगर पसंद भी करते हैं आप किसी को तो माँ बाप पहले जाएं लड़की के, क्योंकि हमें पाल पोस इतना बड़ा करते, इतना तो हक उनका बनता है। हाँ, हाँ, कि हम उनके से मिले कि भाई ये लड़का लड़की की पसंद ये है, अब आप लोग क्या कहते हैं? आपने ये क्यों नहीं किया? अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए। अब आप माजी से निकल आए। अपने बेटे के लिए। मैं अपने बेटे के लिए भी यही, मैं तो उसको सजेस्ट किया था कि भाई मेरी भांजी है। भांजी भी नहीं ना, भांजी नहीं, जब उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, भाई उसने टाइम ही नहीं दिया हमारे को, वो लड़के ने हमारे टाइम ही नहीं दिया कि हम उनके माँ बाप से जाके बात करते। वो तो जब हमने कहा कि नहीं बेटा हमारे भांजी से करना है शादी, तब वो जाके जो है वो लड़की को उसने भटकाया और भटका के हाँ ले जाके कोर्ट में मैरिज कर। आपका क्या ख्याल है? आप मुझे बताएं कि अगर ये थोड़े से नरम होते अपने बेटे के साथ क्या सही हो जाता कोई ये लव मैरिज भगा कर, ये जो सोचे कोर्ट मैरिज काफी सीरियस बात होती है। हाँ नहीं, मैं तो ये समझती हूँ कि अगर लड़का भी इनको वक्त देता कि वो भी इनसे डिस्कस करता, हो सकता है लड़का इनसे बहुत खौफजदा हो, ये बहुत ज्यादा आप डरावने अब हुए बहुत, आपने कहा था पहले कि आप सख्त हैं तो ऐसे तो वो डर गया हो और उसने सोचा हो कहीं ऐसा ना हो कि भाई मैं इससे जाऊंगा, लिहाजा उन्होंने बेचारे ने भाग शादी कर ली जो कि कोर्ट में मैरिज हुई, और जाहिर है कि उसमें बदनामी तो खानदान की होती है। बिल्कुल, उसने ये सोचा कि जबरदस्ती न कर दे, मगर उसमें आपकी भी तो बदनामी हुई ना कोर्ट मैरिज में। सिर्फ अगर दो जब लड़का लड़की अगर भाग कर शादी करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि बदनामी सिर्फ उनकी नहीं है, पेरेंट्स की भी, हमारी भी हुई, यकीनन हमारी भी हुई, हमारे को बड़ा एम्बरेसमेंट हुआ पूरे खानदान में। बिल्कुल, तो सारे मैं सिर्फ ये तजवीज क्या दूंगी, मतलब कि हमारे साथ चार बिल्कुल सेपरेट, कोई इनकी रिश्तेदारी नहीं आपस में, और इनके आपने देखे कि हालात और जो भी हुआ लव मैरिज अरेंज मैरिज, कि मैं सोचती हूँ कि काश अगर कोई ऐसी चीज हो कि एक इन बिटवीन जगह हो जो अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बीच में हो, कि लड़कों को और लड़कियों को भाग कर शादी ना करनी पड़े, उनके आगे से आगे की जो जनरेशन है उनके ऊपर भी बहुत बड़ी रेपुटेशन खराब होती है उनके अपने खानदान की, और उसके साथ साथ ट्रॉलियों के बगैर अगर कोई अरेंज मैरिज चीज हो सकती है तो वो भी बहुत अच्छा है। कि शादी में देखिए इतनी ज्यादा चीजें हैं कि लड़की कोई शो पीस नहीं है, और जो नौजवान लड़के लड़कियां देख रहे हैं ये प्रोग्राम, आपके माँ बाप हमेशा आपकी बेहतरी चाहते हैं, अगर आपकी उनके साथ क्लोज बॉन्ड है तो आप उनको समझाएं अगर आप कुछ और चाहते हैं, अदरवाइज पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट। अरेंज मैरिज या लव मैरिज ये हमेशा चलती रहेगी डिबेट, मगर मेरे ख्याल है कि अब वक्त हुआ कि ख़त्म हो अब हमारा प्रोग्राम। सी यू नेक्स्ट टाइम सेम प्लेस ऑन माचिस।